हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में निकली हुई पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीडर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की वैकेंसीज़ के बारे में। इनकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चैनल पर नए और इस तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें इन वैकेंसीज़ की, तो दो और डिवीज़न में वैकेंसीज़ निकली हैं। एक है डिवीज़न मंडी, दूसरी है डिवीज़न रिकांगपियो। पहले बात करेंगे जल शक्ति डिवीज़न मंडी की, तो यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 2 अगस्त 2021। और इसमें बात करें वैकेंसीज़, तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बात करें तो वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे बताई नहीं गई हैं, सिर्फ क्वालिफ़िकेशन बताई है। तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट ने 10th पास की होनी चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर डीजल मैकेनिक या फिर पंप मैकेनिक या फिर मोटर मैकेनिक पंप ऑपरेटर। तो इनमें से अगर आपका कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी क्वालिफ़िकेशन है इसी सेम पोस्ट के लिए, मैट्रिकुलेशन किया होना चाहिए और जो ट्रेड्स मैंने बताए हैं उसमें अगर आपने स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लिया है तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरा फिटर की वैकेंसी, इसमें 10th पास होने चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर या फिर प्लम्बर का। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आप जो हैं 10th पास होने चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। बात करें एज की, 18 से 45 एज होनी चाहिए। इसके लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको भेजनी होंगी, अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर आप BPL से बिलोंग करते हैं BPL सर्टिफिकेट, आपका कोई एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको सबमिट करना होगा। ऑफिस का एड्रेस रहेगा, जो एड्रेस जिस पे आपको ये भेजना होगा उसकी अगर बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया था कि डिवीज़न मंडी का एड्रेस रहेगा। इसमें एड्रेस रहेगा ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न मंडी, और एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहेगा जो कि आपको फिलअप करके पूरी डिटेल और डिक्लेरेशन के साथ इनको सेंड करना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, तो नेक्स्ट जो सर्कल है जहाँ पे वैकेंसीज निकली है ये है आपका जल शक्ति डिवीज़न रिकांगपियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसमें जो बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, 6 वैकेंसीज़ हैं पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, 17 वैकेंसीज़ हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए, और इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरह का जो कि आपको भर के भेजना होगा। इनका जो एड्रेस है वो रहेगा ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न रिकांगपियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की 13 अगस्त 2021 की, और इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको भेजने होंगे इनको, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया डॉक्यूमेंट्स वही जो है इस पे भी भेजने होंगे आपको। बाकी डिटेल इन्होंने बताया है कि इनकी वेबसाइट पे भी ले सकते हैं जो कि है hpiph.org। तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।